हमें भी भैया नहीं मरना यार, मतलब मारना है बट यहीं पर कोई बंदा होगा मेरा ओपी गाइस, इसको भी हेडशॉट और ये फिनिश। चलो फिनिश, बट यार और भी प्लेयर भाई देखो यार, मुझे लगा ये रहा ये बंदा आया। ओ भाई ये भी खत्म। ऑलराइट दोस्तों, सो वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज को हम दोबारा से अपने न्यू कैरेक्टर के साथ सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले हैं। और आज के वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस कैरेक्टर का एबिलिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर पीक पर उतर रहा हूँ, और पीक पर उतरते ही हमें मिल चुका है फार्म हाउस, जो कि आई थिंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये फार्म हाउस गन है बीच बीच में रुकता है, वो बहुत ज्यादा खराब लगता है। बट कोई ना, हमें एक और गन मिल चुका है जो कि एक न्यू गन है, तो काफ़ी अच्छा है। और मैंने यहाँ पास ये भी गन ले लिया, आई मीन ये दोनों गन भी काफ़ी अच्छा है। एक्समेट्स तो काफ़ी तगड़ा हेडशॉट पड़ता है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर लेवल 2 का बैकपैक मिल गया है, और बस एनिमी मिलने का देर है भाई, बाकी हम अपना काम कर लेंगे। बट पहले एनिमी तो मिले, और यहाँ पर स्कॉन भी मिल चुका है, और तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट देखते हैं यार मतलब कहाँ पर हमें एनमी मिल सकता है। तो इधर भी तो पूरा लूट वैसे ही पड़ा है, तो हमें यहाँ पास एक मेडिकेट मिल चुका है, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है, आई मीन के फुटप्रिंट का आवाज़ आ रहा है। आई थिंक बंदा ही बस आसपास ही है, पता नहीं मुझे ऐसा लगा, बट उधर सामने अभी कोई पैराशूट से उतरा, तो आई थिंक हो सकता है बंदा ये रहा भाई, देखो यार भाग रहा है वो भाई, बच गया। चलो कोई ना गाइस, यहाँ पर और भी बंदे हैं, वैसे बच कर जाएगा कहाँ से, हमारे हाथ से मार खाने वाला है। बट भाई ये ना मार दिया, देखते हैं कहाँ पास है और कहाँ गया, इधर ही तो आया था, मुझे दिख नहीं रहा यार इधर, इधर तो आस पास दिख नहीं रहा। भाई फायरिंग हो रही है, पास हो रही है वो भाई, एक और हेड यार भाई बहुत गंदा मार रहा है, ये ग्लूवा लगा लिया, इसको पीछे जाकर मारते हैं, आई थिंक मैं इसको मार सकता हूँ। और ये ओपी गाइस डाउन, उसने भी शायद वहाँ पर एक को डाउन किया है, बट इसको पहले तो ये फिनिश हो गया। शायद यहाँ और भी प्लेयर है, बट ये है कहाँ भाई, यहाँ पर भी एक बंदे को डाउन किया था, बट वो उसका भी उसको किल आ गया यार, वरना मैं कुछ टाइम पहले आता तो आई थिंक मुझे मिल जाता, बट ये रहा एक प्लेयर, ओ भाई कोई बड़ा हेडशॉट और वो डाउन हो गई। और ये भाई एक और प्लेयर है, ओपी गाइस, इसको भी हेडशॉट, और एक और आई थिंक प्लेयर है सर, मैप में एक और प्लेयर है आई थिंक, इधर ही है, बट कहाँ है भाई, ये रहे सामने, ओ भाई ये भी, वो इसको पड़ा नहीं दोबारा, ओ यार दोबारा नहीं पड़ा, अरे कहाँ है भाई, ये हेड ही मारो यार, हेड तो पड़ ही नहीं रहा यार, क्या हो रहा है, एक डैमेज पड़ा भाई, ये भी खत्म, बहुत टाइम बाद इसको पड़ा यार, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, बट भाई ये भी खत्म, मतलब ये डायरेक्ट मरे तो आई थिंक वे इसी के स्क्वाड के बंदे होंगे, आई मीन कि हमने टोटली यहाँ पर एक स्क्वाड यहाँ पास खत्म कर दिया, बट मैंने यहाँ पर 3 ही किल किया है, और एक और प्लेयर कहाँ होगा, आई थिंक वो लोग 3 ही प्लेयर उतरे हो तो हो भी सकता है, बट और देखते हैं तेरा भाई आगे 4 किल, बट ये बहुत लेट में आया, तो आई थिंक हो सकता है कि कोई और टीममेट का बंदा हो, अब पता नहीं यार, बट बहुत लेट में आया, बट यहाँ से हम बंदा देख लेते हैं कहाँ पास होगा, वो एक सामने बंदा है, तो चलो उसको मारने के चलते हैं, और भाई उसको हम लोग मार सकते हैं यार, बट पहले देखे तो सही, और आई थिंक भाई इधर इधर से कहीं फाइट आ रहा है, और कहाँ है, अब इधर से तो कहीं आ रहा है भाई, इधर ही आई थिंक कोई बंदा तो होगा यार, ये रहा, इसको मारेंगे, ओपी गाइस, इसको भी हेडशॉट, चलो जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं, चलो ये भी फिनिश हो गया, और अभी उसको मारने जाना है जिसका हमने वो किया है, तो भाई वहाँ पर से हम मारे जा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल और कुछ लूटने के लिए है नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा लूट हो चुका है, तो अभी डायरेक्ट चलते हैं उसको मारने के लिए। अगर मैं लैम्बोर्गिनी लेकर चलूँगा तो आई थिंक जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो चलो यार लैम्बोर्गिनी लेकर चलते हैं, आई मीन वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, और देखते हैं आई थिंक शायद कोई और प्लेयर मिल जाए, वैसे यार ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि वो पास ही में यही बीमा सत्ते में, आई थिंक बीमा सत्ते के लास्ट में यहाँ पर जो बंदा है, बट देखना ये भाई वो है कहाँ, क्योंकि यार हो सकता है कि वो बंदा सोलो या फिर स्क्वाड के साथ भी हो, अगर स्क्वाड के साथ रहा तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और इधर फाइट हो रहा है, इधर बहुत सारे प्लेयर हैं यार, और देखते हैं एक बंदा यहाँ रिवाइव भी कर रहा है, तो आई थिंक हम इसको सबसे पहले मारने चलते हैं, इधर बहुत फाइट हो रहा है, हमें आराम से खेलना होगा, क्योंकि भाई फाइट के अंदर हमें भी यहाँ नहीं मरना यार, मतलब मारना है, बट यहीं पर कोई बंदा होगा मेरा ओपी गाइस, इसको भी हेडशॉट और ये फिनिश, चलो फिनिश, बट यार और भी प्लेयर भाई देखो यार, मुझे लगा ये रहा ये बंदा आया, ओ भाई ये भी खत्म, बट ये बंदा पीछे से मार रहा था यार, पीछे से भाई कौन मारता है, बट फिर भी यार बंदा कैसे मारे बट मार रहा था, चलो कोई ना भाई ये खत्म वैसे भी हो चुका है, और यहाँ पास काफी सारे प्लेयर है भाई, और इसके साथ भी काफी अच्छा खासा लूट है, तो चलो यार यहाँ पर लूट लेते हैं, और जो गन है तो ये गन भी काफी अच्छा है, बट सबसे पहले बंदा और देखना चाहिए, बट यहाँ बहुत सारे बंदे हैं, बट यहाँ पर मैप पर कोई बंदा नहीं दिखा रहा, आई थिंक भाई यहीं पर आस पास होना चाहिए यार, आई थिंक कहाँ के सारे बंदे भाई, जब मैं आया था तब तो बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा था, और अभी ये रहा एक बंदा ऊपर है, तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, और इधर तो कोई दिख नहीं रहा भाई, ओपी गाइस, इसको भी हेडशॉट, और कोई है क्या, चलो ये भी किल कंफर्म, और कोई तो इधर दिख नहीं रहा भाई, ऊपर इस बंदे के पास चलते हैं, आई थिंक वहाँ पास कोई और मिल जाए, क्योंकि भाई वो अकेला तो होगा नहीं, आई थिंक कोई टीममेट होगा उसके पास, भाई इसको भी हेडशॉट, चलो इसका भी किल कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि डाउन, इसके बाद आई थिंक अभी नीचे में और होने चाहिए, क्योंकि भाई काफी सारे यहाँ पर प्लेयर हो रहे थे, तो भाई और देखते हैं और कोई है क्या, और आई थिंक मुझे इधर तो और कोई दिख नहीं रहा, बट ओ भाई यहाँ दिखा, ओ गाइस ये कहाँ से आ गई,
भाई इसका भी क्लियर कर दे, ये भी कंफर्म हो गया। बट यार ये आई कहाँ से, मैं तो काफी टाइम से यहीं पास था और मुझे कोई दिखा भी नहीं। और शायद ये भी डाउन हुई, तो देखते हैं भाई, आई थिंक यहाँ पास इसके और टीममेट होने चाहिए क्योंकि ये भी डाउन हुई थी। और आई थिंक ऊपर वाला जिसको मैंने गाड़ी के पास, आई थिंक मतलब ऊपर बीमा सत्य के पास मारा था, वहाँ पास भी वो भी बंदा डाउन हुआ था। तो आई थिंक हो सकता है कि उसका टीममेट भी इधर ही कहीं हो, आई मीन दोनों एक ही स्क्वाड के हो सकते हैं बट अलग अलग स्क्वाड के भी हो सकते हैं। तो देखते हैं यार, आई थिंक कोई बंदा मिल जाए तो, आई थिंक भाई वैसे तो अभी भी तो मारे यार, तो आई थिंक हो सकता है इधर आसपास ही हो। और वो यहाँ पास कोई इसको फुल कर रहा है शायद, तो यहाँ पर एयर ड्रॉप को फुल कर रहा है। और आई थिंक देखते हैं यार यहाँ पास भाई सही में कोई फुल कर रहा है या नहीं। हाँ यार कोई यहाँ पास फुल कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ पास है। चलो इसको भी देख ही लेते हैं भाई ये कौन बंदा है। आई थिंक जो भी यार हमारे यहाँ से तो खाने वाला है, बट ये हो सकता है ये सिंगल बंदा हो या फिर पूरा स्क्वाड हो। बट देखते हैं अभी कौन है यहाँ पास। वुकोंग भाई, वुकोंग बंदा बैठा है, ये खत्म। बट यार मैं कुछ ज्यादा लगा था, और ये भी खत्म। बट गन थोड़ा ज्यादा ही लंबा चला गया भाई, मैं इसको हेड पता नहीं, मैं मारने का ट्राई किया बट गया। आई थिंक थोड़ा नेट इशू होगा, इसी कारण उसको डायरेक्टली पूरा पड़ गया क्योंकि मैं उसको हेड मारना चाहता था बट भाई पूरा गन एक साथ ही चल गया। बट चलो कोई ना भाई, वो मर गया वही काफी अच्छी बात है। वैसे वो डायरेक्ट नहीं मरा था, वो डाउन हुआ था, तो आई थिंक उसके भी टीममेट बचा होगा। अब पता नहीं कहाँ होगा बट भाई वो भी फिनिश हो चुका है। अभी तो फिलहाल अब यहाँ कोई बंदा नहीं दिख रहा होगा, बट चलो इसको यहाँ पास इससे मैं पता करके देखता हूँ। आई थिंक कोई ना कोई प्लेयर तो मिलना चाहिए, तो आई थिंक वो भी है येलो वाला फेंकने से ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि भाई सामने के जो एनिमीज रहते हैं वह दिख जाते हैं। तो यहाँ पर तो अभी कोई एनिमी दिख नहीं रहा है भाई, अब देखना होगा कहाँ पास उन लोग बैठे होंगे। फिलहाल तो इसके अंदर भी कोई और बंदे नहीं दिख रहे हैं, मतलब मैप में भी बंदे दिखने चाहिए बट अभी यहाँ पास कोई नहीं दिख रहा है। बट कोई ना यार यहाँ पास आई थिंक हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक और ले सकता हूँ यहाँ पास, आई मीन कोई बंदा देखने वाला यहाँ पर ले सकता हूँ। बट देख सो यार एक बंदा है, एक बंदा आई मीन ऊपर से नीचे आ रहा है भाई, देखते हैं यार उसको हम मार पाते हैं नहीं। और भी बाकी सब जो भी चीज़ें मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया है, और एक ग्रोजा उठा लिया है। ग्रोजा से भी बहुत अच्छा हेड पड़ता है। और बट बंदा है कहाँ, इधर ही तो आ रहा है भाई, यहीं पर तो रेडेड दिखा रहा है बट वो है कहाँ, आई मीन ये रहा, ये नीचे ही आ रहा है। चलो इसको फिनिश करते हैं, बट इसको भी पक्का हेड पड़ेगा भाई। वो एक हेड पड़ा है और वो भाई वो भाग रहा है, एक हेड पड़ा एक गोली बचा। अरे यार वो भाग रहा है यार, अब हमें उसे पीछे करना पड़ेगा, वो भाग गया शायद, अब उसे ऊपर जाकर मारना पड़ेगा। चलो कोई ना भाई हम ऊपर जाकर मारते हैं, बट वो मिले तो सही, अरे ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें मैप में दिख रहा है वो, वाइटिंग दे रहा। ओह भाई ये भी खत्म, तो ये भी भाई यहाँ पर डायरेक्ट खत्म हुआ, मतलब ये इसका भी स्क्वाड टोटली खत्म हो चुका है। और इसके बाद भी कुछ लूट नहीं था यार, आई मीन अभी भी शायद उतरा हो। तो फाइनली दोस्तों बहुत टाइम बाद यहाँ पर हमारा टोटली 12 किल हो चुका है, और अभी भी टोटली अलाइव, मतलब कितने अलाइव है भाई, 14 लोग अभी भी बचे हुए हैं बट उन्हें भी हम ही खत्म करने वाले हैं। अब देखते हैं कितने बंदे को हम मार पाते। और कोई बंदा है क्या सामने, एक प्लेयर है भाई, ये सामने एक प्लेयर है, इधर ही आ रहा है भाई, मार रहा है। ओ भाई ये भी खत्म, ये डैमेज होकर आ रहा था क्या, ये एक गोली मारते ही ये खत्म हो गया। चलो इसका भी किरा मैंने कंफर्म कर लिया, बट नहीं यार इसको एक हेड पड़ा था क्योंकि भाई मैंने ठीक से देखा नहीं, बट हाँ इसको एक हेड पड़ा था जो कि भाई काफ़ी अच्छा था, वो 174 का आई थिंक हेड से पड़ा था। तो चलो यार इसका भी खत्म हो चुका है, और अभी भी भाई कहाँ पास है यार। वैसे तो बीमा शक्ति टोटली मैंने खाली कर दिया है, और अगर कोई बच्चा भी होगा तो हमारे पास आएगा तो पक्का मरने वाला है। बट चलो यार अभी और बंदे देखते हैं भाई यहाँ पास, आई थिंक और बंदे हो सकते हैं क्योंकि यार बीमा शक्ति में जब शुरू शुरू मैच तक बहुत फाइट हो रहा था, तो आई थिंक हो सकता है और प्लेयर हो। आई थिंक इधर ये रहा भाई, ओपी गाइस, इसको भी हेडशॉट, इसको काफी अच्छा वाला हेडशॉट पड़ा है क्योंकि भाई सामने ही आ रहा था, हमें मारने आ रहा था बट भाई इसी को पड़ गया। चलो किल भी कंफर्म हो गया। बट यार ऐसा होता है ना कि सामने, मतलब सामने अगर आपका एनिमी हो और आप अगर मारने जाते हो और भाई आपको एक गोली चलाने से पहले ही आपको टपका दे, उस टाइम जो उस बंदे की जलती है ना भाई, देखने लायक होता है यार। वैसे आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होगा और मेरे साथ भी ऐसा होता है, और ऐसा ज्यादा भी इस बंदे के साथ हुआ। बट चलो कोई ना यार, ऐसा कभी कभार होता है। वैसे कुछ बोले, अगर कोई बोलेगा भाई वो आकर बोल सकता है क्योंकि भाई आप कुछ भी हो सकता है यार, क्योंकि आपको पता होगा अगर कोई बंदा कोई ऐसा मारता है तो भाई डायरेक्ट आपको लॉबी, अपनी लॉबी में बुलाते हैं और फिर वहां पर आपको बोलता है भाई ये कैसे मारा, कैसे खेला, आई मीन भाई बहुत कुछ होते हैं। बट अभी वो सब बातें बाद में, अभी गेम प्ले पे ध्यान देते हैं क्योंकि यार अभी भी टोटली 7 बंदे, आई मीन 9 बंदे अभी बचे हुए हैं, तो 9 बंदे हमें अभी भी मारने हैं। और भाई यहाँ पास तो वैसे तो और कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि ड्रोन में भी हमें बंदे दिखने चाहिए, बट यहाँ पर ड्रोन में भी कोई बंदा नहीं दिख रहा है, आई मीन सीरियसली गाइस यहाँ पास कोई भी बंदा है ही नहीं। और देखते हैं यार और भी कहाँ कोई है क्या, आई मीन नहीं यार इधर आसपास तो कोई बंदा है नहीं, आई थिंक हमें और नीचे जाना होगा। बट अभी तो फिलहाल आई थिंक यार 2 स्क्वाड बचा हुआ है क्योंकि यार टोटली हम एक बंदे बचे हुए हैं, बाकी 4 के 2 और स्क्वाड बचे हुए हैं, तो अभी हमें 2 स्क्वाड को मारना है। और देखते हैं यार और कोई है या नहीं, और यहाँ पास कुछ लेने लायक है क्या, नहीं यार इसके अंदर वैसे कुछ है नहीं, आई मीन मैं रिवाइव भी किसी को नहीं कर सकता क्योंकि भाई रिवाइव के लिए ओ भाई सामने बंदा, आई मीन ऊपर यार मैं अभी तुरंत ऊपर से आया हूँ बट मुझे अभी कोई बंदा नहीं दिखा। वो शायद हो सकता है कि वो जोन के कवर करने के लिए यहाँ पर भाग रहा हो। ओ भाई भाई काफ़ी अच्छा प्लेयर है यार, चलो भाई कोई ना उसको देखते हैं। और भाई इधर ये ओपी गाइस, इसको भी हेडशॉट, ये भी शांति से खड़ा था यार, इसको भी आना चाहिए था मारने के लिए, या फिर सामने ग्लोअ लगा लेता, या फिर आई थिंक होता है उसके पास ग्लोअ ही ना हो। बट चलो कोई ना, ये भाई बंदा यहाँ पर डायरेक्टली खत्म हुआ है, मतलब ओ भाई अभी भी यहाँ पर 9 लोग बचे हुए हैं, आई मीन किसी बंदे ने रिवाइव कर दिया शायद, और शायद अपने 2 टीममेट को रिवाइव किया है क्योंकि यार यहाँ पर 7 लोग हो गए थे और यहाँ पर अभी 9 बचे हुए हैं, मतलब किसी बंदे ने रिवाइव किया है। अब चलो कोई ना यार हमारे लिए अच्छी बात है,
बट भाई ध्यान से खेलना होगा। और तो कोई यहाँ पास कुछ फूल वूल नहीं कर रहा है, आई मीन कि एयर ड्रॉप मुझे लगा यार कोई फूल कर रहा है, बट एयर ड्रॉप भी नहीं यार, वो भाई गलती से शायद आई थिंक कोई कर रहा होगा, बट अभी वो कम हो रहा है, चलो कोई ना। और इधर तो कोई और भी नहीं है यार, बट इसके अंदर लेने लायक कुछ है क्या? हाँ यहाँ पास ये ले सकते हो एस के एस से हेडशॉट मारने का ट्राई करेंगे यार। चलो देखते हैं भाई कितना हम लोग इसके मार पाते हैं। वैसे अभी भी भाई काफ़ी अच्छे कम प्लेयर बचे हुए हैं, 8 लोग बचे हुए हैं, तो भाई वो 7 हो गए अब। मतलब भाई अब देखते हैं यार कहाँ पर हमें एनिमी मिलने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक बीमा से टोटली खाली हो चुका है। बट हाँ हो सकता है कि भाई यहाँ पर जोन से कवर करने के लिए यहाँ पर बंदे आए हो, बट यहाँ पर तो कोई दिख नहीं रहा है। और बट यहाँ पर मैं दोबारा ले सकता हूँ वो देखने के लिए कि वहाँ पर कहाँ कोई एनिमी है, बट भाई देखते हैं यार कहाँ पर वो बंदा है। और देख सकते हो मतलब आसपास तो कोई भी प्लेयर नहीं है, हमें उसके पास ही जाना होगा। और ये आई थिंक कहाँ हो सकता है भाई, जोन कवर उन लोग भी कर रहे होंगे। चलो हम भी उस एनिमी को मारने चलते हैं और गाड़ी से चलते हैं, क्योंकि गाड़ी से ज़्यादा हम जल्दी पहुँचेंगे और हम लोग इजिली भुजा भी जल्दी कर पाएंगे। चलो यार चलते हैं गाड़ी से। और ये भाई आपको पता होगा ये जो यहाँ पर स्किल लेकर बैठा हुआ है ये गिल्ड का स्किल है, जो कि आपको पता होगा कि गिल्ड के टोकन से आप लोग एक्सचेंज करके इसको ले सकते हो, क्योंकि मैंने भी इसको लिया है। बट इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत वो नहीं मिल रहा है, आई मीन कि मुझे लगा था इसके अंदर एट्रीब्यूट दिया जाएगा, बट इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है। बट कोई ना, चलो कोई ना भाई, यहाँ पर सामने बंदा है वो भाग रहा है, वो भाई इसे पड़ी नहीं रहा यार, उसके पास हमें रस करके मारना पड़ेगा उसको। और देखो मेरा बाउंड्री को भी किसी और ने मार दिया, आई मीन भाई कोई किसी और ने उसको मारा है। चलो कोई यार देखते हैं भाई, हम लोग देखते हैं कहाँ भाई कहाँ तक भागेगा वो भाई, इसको पड़ी नहीं रहा, क्या हो रहा है यार भाई। मुझे लगा भाई इसको ड्रैगनस हेड पड़ेगा, बट उसको पड़ा ही नहीं। बट चलो यार जोन बहुत छोटा हो चुका है, बट आई थिंक इससे पड़ जाए, इस मकड़ी से तो पढ़ना चाहिए, यहीं पर बैठा हुआ है गाइस। वैसे इसको भी ऐड, चलो फिनिश हो गया। अब दो प्लेयर बचे हुए हैं, अबे दो प्लेयर कहाँ हैं, आई थिंक यहीं पर होने चाहिए। वो ये रहा भाई, इसको बहुत डैमेज पड़ा यार, मुझे बहुत डैमेज दिया यार भाई, कहाँ पर वो भाई। ये एक डाउन हो गया, इसका एक प्लेयर और बचा हुआ है, वो भी यहीं पर होना चाहिए। आई थिंक मुझे लगा यार वहाँ पर से मतलब सामने आया है, आई मीन इधर से नहीं भाई, घर से आई थिंक कोई आवाज़ आया था उस टाइम, बट इधर से घूम कर जाते हैं हम आने के लिए। देखते हैं यार कहाँ पास है, इधर भाई नहीं आ रहा है। और वो भी गाइस फाइनली हमारे यहाँ पर भैया हो चुका है, तो इसी साथ हमारे यहाँ भैया हो चुका है। तो आई को जब को हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो शेयर करो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, याद से हमारे छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।